आज हम कुछ डिस्कशन करने जा रहे लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में। डर लगता है ना, लिवर ट्रांसप्लांट बहुत बड़ा सर्जरी, कॉम्प्लिकेशंस, रिजल्ट्स कमी है, बट उसमें काफ़ी बदलाव आया है इन दिनों में। आजकल ट्रांसप्लांट की सक्सेस रेट 95-99% हो रहे हैं। लोग उसके बाद लंबा टाइम 30-40 ईयर्स तक अच्छे लाइफ लेके चल पा रहे हैं। तो ये एक सहज और सक्सेसफुल तरीका हुआ है लिवर डिजीज़ की एड्रेस करने के लिए। तो अभी मन में आता है ना, लिवर ट्रांसप्लांट कब करना होता है? तो लिवर ट्रांसप्लांट हमारे दो कंडीशन से होती है। हम बोलते हैं एक अर्जेंसी और इमरजेंसी कंडीशन में, और एक होता है रूटीनली। तो अभी पहले हम बात करते हैं कि इमरजेंसी ट्रांसप्लांट क्या मतलब होते हैं। इमरजेंसी ट्रांसप्लांट का मतलब होती है कि जब भी लिवर की फंक्शन इतना बिगड़ गया कि जिसमें सर्वाइवल 3 दिन 5 दिन 7 दिन के बाद होने का मुश्किल होती है, तब हमको करना पड़ता है। वो कंडीशंस हम बोलते हैं ALF, जिसको हम नाम देते हैं एक्यूट लिवर फेलियर। कई सारे कारण होते हैं एक्यूट लिवर फेलियर होने के लिए, जिसमें कि लिवर सडनली बढ़ जाते हैं, जॉन्डिस काफ़ी हो जाती है, खून पतला हो जाता है जिसको हम INR करके उसमें देखते हैं, और कब बेहोशी आ जाती है, हम जिसको बोलते हैं लिवर कोमा होता है। इस तरीके से होना है, और जिनको पहले कोई लिवर की बीमारी नहीं था, और ये बहुत जल्दी से 3 दिन 5 दिन 1 हफ्ते में बिगड़ जाता है। तो इसी कंडीशन में हम बोलते हैं एक्यूट लिवर फेलियर, जिसमें कि ट्रांसप्लांट जब भी आपके डॉक्टर बोलते हैं तो हमको जल्दी से जल्दी करना पड़ता है, कभी कभी 24 आवर्स में, कभी कभी 72 आवर्स में करना पड़ता है। उसी तरीके से और एक कंडीशन होती है एक्यूट ऑन क्रोनिक लिवर फेलियर, मतलब उसमें हम इसको बोलते हैं SCLF, जो आपको डॉक्टर समझाते हैं, या एक्यूट ऑन क्रोनिक लिवर फेलियर, जिसका मतलब वही होता है कि लिवर की बीमारी काफ़ी पुराना था जो पता नहीं चला था और सडनली बिगड़ गया, जैसे कि जॉन्डिस काफ़ी हो जाना, पेट में पानी आ जाना, खून पतला हो जाना। ये कंडीशंस बहुत तेज़ी से विद इन 1 मंथ 15 डेज में हो जाती है, और उसी कंडीशन में हमको ट्रांसप्लांट की अर्जेंसी हो जाती है, और हमको 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर करना पड़ता है। तो ये दोनों कंडीशन जो मैं बताया आपको, ALF और SCLF, जिसमें हमको इमरजेंसी या सेमी इमरजेंसी में ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ता है। बाकी रहा कि लिवर की और कोई से कंडीशन से, मोस्ट कॉमनली हम जो बात करते हैं लिवर सिरोसिस, जब भी लिवर सूख जाता है उसमें ट्रांसप्लांट की ज़रूरी होता है। हर मरीज को ट्रांसप्लांट की ज़रूरी जब भी पता चलता है तभी नहीं होता है, वो टाइम के हिसाब से होती है, बट हमको पता करना था कि लिवर की क्या क्या प्रॉब्लम है जिसमें हमको ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ेगा। तो ये मैं बताना चाहूँगा, कभी लिवर की सिरोसिस की वजह से पेट के अंदर पानी आ जाता है, पानी को बार बार निकालना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी एसाइटिस, पानी में इन्फेक्शन आ जाती है जिसको हम बोलते हैं SBP, ये कंडीशंस होने से हमको ट्रांसप्लांट बारे में सोचना पड़ता है। और दूसरी होता है कि कभी कभी जॉन्डिस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, पीलिया जिसको हम बोलते हैं, खून पतला हो जाते हैं, और उसके साथ बंदे का क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी ख़राब हो जाती है। तीसरी चीज़ होती है कि हमारा लिवर के चलते हुए किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, हम जिसको बोलते हैं कि HRS और हेपाटोरिनल सिंड्रोम, ये चीज़ कंडीशंस होने से करना पड़ता है। और चौथा एक होता है, हम इसको बोलते हैं कि हेपाटिक एनसेलोपैथी, जिसको कॉमन टर्म में को बोलते हैं लिवर कोमा। जब भी हमारा बेहोशी आती है, कभी कभी बार बार बेहोशी होते हैं, कभी कभी सीवियर बेहोशी होकर हमको एडमिशन होना पड़ता है, और कभी कभी थोड़ा सा जिसको हम बोलते हैं मिनिमल हेपाटिक एनसेलोपैथी, जिसमें कि थोड़ा बहुत गफलत, थोड़ा बहुत फॉरगेटफुलनेस, ऐसे होके बेहोशी रहता है। तो ये जब भी कंडीशंस ऐसे होता है उस पर भी हमको ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना पड़ता है। फिर उसके बाद और एक कंडीशन जो आती है, होता है हमारा लिवर कैंसर, जिसको हम बोलते हैं हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा। हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा इज ए कंडीशन जिसमें कि हमारे लिवर में जो ट्यूमर, गांठ या लिवर के कैंसर बोलते हैं, उसको निकालना पड़ता है। तो उसके लिए कई स्टेज में होते हैं कि ऑपरेशंस हो पाते हैं, रिसेक्शन बोलते हैं इसमें कि इस पार्ट को निकाला जाता है, बट कभी कभी ट्यूमर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं या लिवर कमज़ोर होता है, तो हमको लिवर की ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, क्योंकि जब तक ये लिवर रहेगा उसमें कैंसर आने की संभावना रहती है। तो लिवर कैंसर होने से हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं, कभी ट्यूमर को बर्न करना होता है, दवाई देना पड़ता है, बट हमको उसमें देखना पड़ता है कि वो बीमारी कैंसर की ट्रीटमेंट की स्टेज में होता है नहीं होता है। सपोज़ वो ट्रीटमेंट के बाहर होता है तो हमको दवाई से कंट्रोल करना पड़ता है, बट जब भी लिवर में कैंसर होता है उसके लिए हमको लिवर की ट्रांसप्लांट जरूरी होता है, क्योंकि जब तक वो सिरोसिस लिवर रहेगा, लिवर की कैंसर दोबारा आने का चांस रहेगा। फिर दूसरी बार होती है कि कभी कंडीशन होते हैं जिसमें कि लिवर की बीमारी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट लिवर की कमजोरी की वजह से हमको करना पड़ता है, जिसमें कि
काफ़ी मरीज हमको पूछते हैं, डॉक्टर साहब मेरा लिवर भी ठीक है, आप ट्रांसप्लांट क्यों बोल रहे हो? तो तीन चार कंडीशन में आपको याद दिलाऊंगा। एक होता है कि हमारे लिवर की कैंसर, जो मैंने बताया लिवर कैंसर में काफ़ी सारे मरीजों को सिम्टम्स ज़्यादा नहीं होते, वो टेस्ट में पता चलता है, जिसमें कि मरीजों को समझाना मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि बीमारी बढ़ने से होना चाहिए, बट लिवर एक बीमारी कैंसर की स्टेज में होता है, जिसमें कि कैंसर इज़ क्यूरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली। तो लिवर कैंसर में लिवर की बीमारी सिम्टम्स नहीं होकर भी हम उसको ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ता है। और एक दूसरी होता है कि लिवर के लिए ऑक्सीजन बॉडी में कम होता है, हम उसको बोलते हैं हेपाटोपल्मोनरी सिंड्रोम, जिसमें कि बॉडी की ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो उसमें लिवर की ज़्यादा प्रॉब्लम, जॉन्डिस, पानी कभी कभी आता है, बट मेजोरिटी में ऐसे नहीं होता है। बट उस कंडीशन में हमको ट्रांसप्लांट जल्दी जाना पड़ता है, क्योंकि बॉडी की ऑक्सीजनेशन जब भी कम होता है तो लिवर के ट्रांसप्लांट के आउटकम भी अच्छा नहीं होता है। कई कई कंडीशन में होता है कि लिवर ट्रांसप्लांट रिफ्यूज होता है, कि बॉडी की ऑक्सीजन काफ़ी लो हो गया करके। तो इसी के लिए लिवर के सिम्टम्स नहीं होते हुए भी लिवर की कॉम्प्लिकेशन की वजह से हेपाटोपल्मोनरी सिंड्रोम एंड जिसको वजह से ऑक्सीजन कम होता है, उसमें ट्रांसप्लांट जल्दी ज़रूरी पड़ता है। और एक होता है लिवर के चलते हुए लंग्स में रिलेटेड जो मतलब POPH, जिस लिवर की प्रेशर्स ज़्यादा हो जाती है, जो हार्ट के ऊपर असर डालता है, उस कंडीशन में हमको ये चीज़ करना पड़ता है। और एक चौथे जो हम बोलते हैं कि काफ़ी सारे सुना होगा, सार्कोपेनिया बोलते हैं, ये लिवर फ्रेलिटी बोलते हैं, जो बोलते हैं कि बंदा बिल्कुल पतला दुबला जैसे हो जाता है, कि बीमारी के चलते हुए जितना नहीं होता है, उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ से, मसल मास नहीं रहने से, कमजोरी, थकान के वजह से हमको करना पड़ता है। और कोई डिजीज़ है जिसमें कि PSC करके बीमारी है, PBC करके बीमारी है, जिसमें कि बॉडी में काफ़ी खुजली होती है, जिसको ख़त्म नहीं होता दवाई से, और कभी कभी बार बार लिवर में इन्फेक्शन आ जाते हैं, हम जिसको बोलते हैं कोलांजाइटिस, उसमें भी हमको ट्रांसप्लांट की ज़रूरी होता है जब ये प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये प्रॉब्लम जब भी होता है, लिवर की बीमारी उतना ज़्यादा नहीं होके होता है। और एक इस तरीके से कंडीशन होते हैं पॉलीसिस्टिक लिवर डिजीज, जिसमें कि लिवर के अंदर सिस्ट बन जाते, इतना ज़्यादा सिस्ट होते लिवर में कि लिवर की वजन कभी कभी 12 किलो 18 किलो हो जाता है, 1.5 किलो से बढ़ के, पेट फुला हुआ रहता है, चलना नहीं होता है, खाना पीना नहीं होता है, उस कंडीशन में लिवर की कमजोरी नहीं होकर भी हमको ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ता है। तो ये चीज़ हम बात करें कि लिवर के ट्रांसप्लांट कब करना पड़ता है। अभी अच्छा बात है कि हम काफ़ी लोगों से मिलते बताते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा लिवर कितना परसेंट खराब हुआ और क्यों ट्रांसप्लांट जरूरी है। मैं आपको यही बताऊंगा, लिवर में कोई परसेंटेज नहीं होता खराबी होने के लिए। लिवर की खराबी की हमने स्टेजेस बताते हैं कि एक होता है चाइल्ड स्कोर करके, A, B and C। ए होता है कि अर्ली स्टेज होता है, बी होता है कि इंटरमीडिएट स्टेज, एंड सी होता है एडवांस स्टेज। सो बी एंड सी स्टेज में हमको ट्रांसप्लांट जरूरी होता है, एंड दैट इज़ ओनली कंडीशन जिसमें कि ट्रीटेबल करके हम प्रिवेंट कर सकते कि इमिनेंट डेथ और मोर्टैलिटी से। और जो अर्ली स्टेज बता रहे चाइल्ड है, उसमें कभी कभी ट्रांसप्लांट की जरूरी होता है जब कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे मैंने बताया लिवर में गांठ आना, HPS होना, बेहोशी, हेपेटिक एंसेफलोपैथी होना, या जो बाकी चीज़ बताया कि खुजली, इचिंग होना, या कोलंजाइटिस होना, उसमें भी चाइल्ड ए जिसमें कि लिवर की फंक्शन अच्छा होकर भी ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ता है। और एक कॉमनली लोग पूछते हैं कि मेल्ड स्कोर क्या होता है। ये एक बीमारी की स्कोर होती है, कुछ पैरामीटर्स लेके होती है, बिलिरुबिन, क्रिएटिनिन, INR, सोडियम, वो ऑनलाइन भी कैलकुलेटर्स मिलता है, वो एक बताते हैं कि लिवर कितना तक डैमेज हुआ है, तो हमके लिए ट्रांसप्लांट की एलोकेशन प्रोसेस होनी चाहिए। तो जब भी मेल्ड स्कोर हमारा 15 के ऊपर होती है, तो हमारा ट्रांसप्लांट जरूरी होता है। जितना मेल्ड स्कोर बढ़ता है, तो ट्रांसप्लांट की उतनी इंडिकेशंस जरूरी बन जाती है। मेल्ड स्कोर जब भी 25 के ऊपर होता है, तो डेफिनेटली ट्रांसप्लांट अर्जेंट बेसिस में करना होता है। 30 के ऊपर तो डेफिनेटली क्विकली होनी चाहिए, एंड 40 के बाद यह एक इमरजेंसी कंडीशन बन जाती है कि बहुत जल्दी करना पड़ेगा। तो इसी के लिए मेल्ड स्कोर के हिसाब से भी हमको लिवर के ट्रांसप्लांट के हिसाब से डिसीजन लेना पड़ जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कशन किया कि लिवर ट्रांसप्लांट कब करना है, कैसे करना है, क्या अर्जेंसी होती है, लिवर की परसेंटेज क्या होती है, मेल्ड स्कोर क्या होता है। होप आपकी सब समझ में आया। कोई डाउट है तो आप हमको मैसेज या फीडबैक दे सकते कि हम आपको आपका जो भी मन में डाउट है क्लियर करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू।